हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस भाजपा लगातार इन चुनावों को जीतने के लिए प्रयास कर रही है और बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन सोलन डीसी कार्यालय में संसद कक्ष भाजपा द्वारा बनाया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने डीसी कार्यालय सोलन पहुंचकर सांसद कक्ष के बाहर पहुंचकर सांसद सुरेश कश्यप पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद सुरेश कश्यप सांसद के रूप में लोकतंत्र पर बोझ है, क्योंकि पिछले 4 सालों में डीसी कार्यालय में खुले सांसद कक्ष में एक भी बार जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वे नहीं बैठ पाए हैं। उन्होंने कहा कि डीसी कार्यालय में वैसे भी स्थान की कमी है, ऐसे में सांसद सुरेश कश्यप की विदाई का समय भी नजदीक है, उन्हें यह कक्ष कर्मचारियों को दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भाजपा के जो सांसद थे वीरेंद्र कश्यप, उन्होंने जिला की जगजीत नगर पंचायत को गोद लिया था, लेकिन एक बार भी उन्होंने उस पंचायत की सुध नहीं ली। मैं समझता हूँ सांसद महोदय को लोकतंत्र की मर्यादाओं में रहते हुए जो है वो जो आम लोगों की जो मुश्किलात है, आम लोगों की जो यहाँ कार्यकर्ता यहाँ जो हमारे इम्प्लाई हैं कर्मचारी हैं उनको देखते हुए, स्थान की कमी है उसको देखते हुए ये जो उन्होंने सांसद कक्ष यहाँ बना रखा है, मैं समझता हूँ अब विदाई का समय भी उनका नज़दीक ही है। और पिछले 4 वर्षों में उन्होंने कभी एक दिन भी यहाँ नहीं बैठे, ये खाली एक लोकतंत्र के साथ मजाक है कि अगर सांसद होकर इस तरह की कार्रवाई इस तरह की कारगुजारी उनकी रहती है तो मैं समझता हूँ सांसद के रूप में लोकतंत्र भी एक तरह से वो बोझ ही है। और इसी तरह से पहले भी उनसे पूर्व में जो यहाँ सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने जगजीत नगर जो था पंचायत उसको गोद लिया। ये मैं भाजपा सांसदों की बात कर रहा हूँ कि किस तरह उनकी कथनी और करनी में फर्क है। जब ये लिया था कमरा तो कहा था मैं महीने में 2 दफा यहाँ बैठा करूँ, और मैं समझता हूँ पिछले 4 सालों में 1 दफा भी नहीं बैठी। तो ये सांसद महोदय को कर्मचारियों की जो जिस तरह की यहाँ मुश्किल आती है उसको देखते हुए जो है इसको तत्काल रूप से खाली कर देना चाहिए। कि मैं वीरेंद्र कश्यप जी की बात कर रहा था, जगजीत नगर पंचायत को उन्होंने गोद में लिया, लेकिन जगजीत नगर पंचायत में विकास का एक पत्थर भी नहीं लगा, उल्टा वहाँ के जो प्रधान थे उसको गोद ले लिया था, उसको सारे काम दे दिए वहाँ ऐसे। तो ये इनकी जो भाजपा सांसदों की जो कारगुजारी रही है इस तरह से रही है। तो मेरा माननीय सांसद जो है हमारे यहाँ से सुरेश भारद्वाज कश्यप जी, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारा लोकतंत्र में रहम खाओ और ये एक अब विदाई का समय भी नजदीक है, ये खाली कर। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस भाजपा लगातार इन चुनावों को जीतने के लिए प्रयास कर रही है और बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन सोलन डीसी कार्यालय में संसद कक्ष भाजपा द्वारा बनाया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने डीसी कार्यालय सोलन पहुंचकर सांसद कक्ष के बाहर पहुंचकर सांसद सुरेश कश्यप पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद सुरेश कश्यप सांसद के रूप में लोकतंत्र पर बोझ है, क्योंकि पिछले 4 सालों में डीसी कार्यालय में खुले सांसद कक्ष में एक भी बार जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वे नहीं बैठ पाए हैं। उन्होंने कहा कि डीसी कार्यालय में वैसे भी स्थान की कमी है, ऐसे में सांसद सुरेश कश्यप की विदाई का समय भी नजदीक है, उन्हें यह कक्ष कर्मचारियों को दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भाजपा के जो सांसद थे वीरेंद्र कश्यप, उन्होंने जिला की जगजीत नगर पंचायत को गोद लिया था, लेकिन एक बार भी उन्होंने उस पंचायत की सुध नहीं ली। मैं समझता हूँ सांसद महोदय को लोकतंत्र की मर्यादाओं में रहते हुए जो है वो जो आम लोगों की जो मुश्किलात है, आम लोगों की जो यहाँ कार्यकर्ता यहाँ जो हमारे इम्प्लाई हैं कर्मचारी हैं उनको देखते हुए, स्थान की कमी है उसको देखते हुए ये जो उन्होंने सांसद कक्ष यहाँ बना रखा है, मैं समझता हूँ अब विदाई का समय भी उनका नज़दीक ही है। और पिछले 4 वर्षों में उन्होंने कभी एक दिन भी यहाँ नहीं बैठे, ये खाली एक लोकतंत्र के साथ मजाक है कि अगर सांसद होकर इस तरह की कार्रवाई इस तरह की कारगुजारी उनकी रहती है तो मैं समझता हूँ सांसद के रूप में लोकतंत्र भी एक तरह से वो बोझ ही है। और इसी तरह से पहले भी उनसे पूर्व में जो यहाँ सांसद रहे वीरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने जगजीत नगर जो था पंचायत उसको गोद लिया। कि मैं भाजपा सांसदों की बात कर रहा हूँ कि किस तरह उनकी कथनी और करनी में फर्क है। जब ये लिया था कमरा तो कहा था मैं महीने में 2 दफा यहाँ बैठा करूँ, और मैं समझता हूँ पिछले 4 सालों में 1 दफा भी नहीं बैठी। तो ये सांसद महोदय को कर्मचारियों की जो जिस तरह की यहाँ मुश्किल आती है उसको देखते हुए जो है इसको तत्काल रूप से खाली कर देना चाहिए। मैं वीरेंद्र कश्यप जी की बात कर रहा था, जगजीत नगर पंचायत को उन्होंने गोद में लिया,
लेकिन दिल्ली नगर पंचायत में विकास का एक पत्थर भी नहीं लगा, उल्टा वहाँ के जो प्रधान थे उसको गोद ले लिया था, उसको सारे काम दे दिए वहाँ, ऐसा। तो ये इनकी जो भाजपा सांसदों की जो कारगुजारी रही है इस तरह से रही है। तो मेरा माननीय सांसद जो है हमारे यहाँ से सुरेश भारद्वाज कश्यप जी, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारा लोकतंत्र पे रहम खाओ, और ये एक अब विदाई का समय भी नज़दीक है, ये खाली करो।